तो नमस्कार। भारत सरकार पिछले सालों से ये कोशिश कर रही है कि जो खेती में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं उनके कंपोजिशन को बदला जाए, क्योंकि पिछले 3 दशक से भारत सरकार की सब्सिडी की वजह से किसान केवल कुछ ही खादों का यूज़ करते रहे हैं और इसका दुष्परिणाम मिट्टी की क्वालिटी पर पड़ रहा है। जो मिट्टी है, सॉइल है, वो एक जीवित कंपाउंड होता है और जिसमें करोड़ों करोड़ तरह के जीव निवास करते हैं, पर जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो वो पेड़ की ग्रोथ को या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की जगह कई बार जब बहुत ज़्यादा या इम्बैलेंस तरीके से उपयोग होता है तो प्रोडक्टिविटी को घटा देती है या पेड़ की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देती है फसल की। तो हम जानते हैं कि लगभग 16-17 तरह के तत्व हैं जिनका उपयोग पेड़ की स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए होता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये मेन कंटेंट हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं जिसमें आयरन, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकल आदि ऐसे तत्व हैं जिनको हमें संतुलित मात्रा में अगर हम देते हैं तो इससे न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा और जो प्रोडक्ट है, जो फसल हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। पर आप जानते हैं कि भारत सरकार लगभग 1,41,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइज़र पे देती है जो विगत वर्ष में दी गई है। इस साल भारत सरकार द्वारा 1,05,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जो पिछले बार की बजट से 25% से कम है। और ये इसलिए रखा गया है कि भारत सरकार चाहती है कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के जो प्रोडक्ट हैं इनके जो मिक्स हैं फर्टिलाइज़र उनको बढ़ावा दिया जाए और माइक्रो न्यूट्रेंट को बढ़ावा दिया जाए और यूरिया और डीएपी जिसका बहुत एक्सेसिव उपयोग किसान कर रहे हैं विगत वर्षों से उसको संतुलित किया जाए। क्योंकि जो डीएपी है वो 18-46-0 का होता है और जो आपका पोटेशियम है वो उसमें अलग अलग परसेंट का पोटास आता है और जो यूरिया है इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। तो इनकी वजह से जब हम इसका अतिशय उपयोग करते हैं तो फसलों की क्वालिटी ख़राब होती है। तो विभिन्न खाद उत्पादक कंपनियां विगत सालों से ये कोशिश कर रही हैं कि वो जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें आपका एनपी ग्रेड 20-20-0-13, जो तरह तरह के एनपीके हैं जिसमें 10-26-26, 12-32-16, इन सब का उपयोग बढ़ाया जाए। इसी तरह जो सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं उनको भी कंपनियां बड़ी मात्रा में बनाती हैं और उनको भी किसानों के बीच में पॉपुलर करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मैग्नीशियम और सल्फेट आदि का उपयोग हो रहा है। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां वाटर सोल्युबल बनाती हैं जिसमें
17 44 0 12 61 0 0 52 0 0 50 19 19 19 18 18 1 13 40 16 24 0 52 0 0 13 16 24 0 0 52 ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कॉम्बिनेशन में उपलब्ध होते हैं। विगत कुछ वर्षों से ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र भी बहुत बड़ी मात्रा में कंपनियां उत्पादित करती हैं, जिनमें राइजोबियम, एजोक्टाबैक्टर, पोटेशियम और फॉस्फेट जिंक सोल्युबल बैक्टीरिया, इसमें ह्यूमिक एसिड और दूसरी तरह के एसिड, नीम जल और पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के तौर पर बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनियां देती हैं। और किसानों के बीच में ऐसा नहीं है कि इनका उपयोग नहीं बढ़ रहा है, पर जिस संतुलित मात्रा में इसका उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो निर्माता कंपनियां इस शिफ्ट को बदल रही हैं और इस साल से हम देखेंगे कि ये शिफ्ट बहुत तेज़ी से बदलेगा, क्योंकि मार्केट में यूरिया, डीएपी और पोटास उतना उपलब्ध नहीं होगा जितना हम अभी तक उपयोग करते रहे हैं। ख़ासतौर से डीएपी और पोटास जो भारत सरकार लगभग 100% आयात करती है, या तो कच्चा माल या तैयार माल, उसकी भारी शॉर्टेज होने वाली है। तो जो हमारे व्यापारी साथी हैं उनको इस बार ये देखना चाहिए कि वो उनके इलाके में जहां उनकी दुकान है किस तरह की सॉइल टाइप है, कौन सी फसलें बोई जा रही हैं और उनमें कौन से वैकल्पिक खादों का उपयोग होगा। अगर वो उन खादों को अभी से खरीदेंगे, बुकिंग करेंगे, स्टॉक करेंगे, तो वो किसानों को सीजन में वो खाद दे सकते हैं। तो अच्छी गुणवत्ता के खाद रीजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराने के लिए ई फसल द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और ख़ास तौर में मध्य प्रदेश राज्य में, संपूर्ण राज्य में ई फसल द्वारा सभी तरह के फर्टिलाइजर्स का वितरण किया जाता है। तो जो लोग खाद का काम कर रहे हैं या खाद के काम में अभी जुड़ना चाहते हैं वो ई फसल के प्लेटफार्म के फ्रेंचाइजी मॉडल का लाभ ले सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और सभी तरह के संतुलित खादों का उपयोग बढ़ाने के लिए वो उनकी परचेज ई फसल प्लेटफार्म के थ्रू रीजनेबल प्राइस पर कर सकते हैं। तो दो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं उनका स्वागत है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग मिलके ये जो भारत सरकार एक शिफ्ट लाना चाह रही है एग्रीकल्चर में केमिकल और बायो के उत्पादों का उपयोग करने के लिए, उसमें हम उनका सहयोग करें। इससे न केवल पर्यावरण सुधरेगा, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। अपनी मर्जी अपना काम, ई फसल से बढ़िया दाम, नाइन फुट का टोटा ना मार्केटिंग की झंझट। ई फसल जिंदगी हो जाएगी फाइन, ई फसल हर किसान होगा ऑनलाइन, ई फसल हर मर्ज की दवा, ई फसल।